हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं, परंतु इसके पूर्व विभिन्न सर्वेक्षण एवं प्राप्त हो रही जानकारियों के अनुसार मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ की सरकार बनने जा रही है। हालांकि इसमें भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू की गई लाडली बहना योजना ने पार्टी को संजीवनी बूटी प्रदान की है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के अटकलों के बाद भी जोड़ तोड़ करके मध्य प्रदेश में सरकार बन सकती है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर ज्यादा नहीं रहने वाला है। जहां कांग्रेस 113 से 117 सीटें प्राप्त कर सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 106 से लेकर 111 सीटें प्राप्त करने की संभावना है। वहीं निर्दलीय एवं अन्य राजनीतिक दलों के खाते में मध्य प्रदेश में 4 से लेकर 7 सीटें तक आ सकती है। मध्य प्रदेश में बड़े राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी के आने की संभावना है। वहीं यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर की, तो यहां पर इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा के 6 एवं कांग्रेस के 4 सीटें जीतने की संभावना है। इंदौर के 9 विधानसभा क्षेत्र में यदि सबसे चर्चित कोई विधानसभा क्षेत्र रहा है, तो वह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वर्तमान कद्दावर विधायक संजय शुक्ला के मुकाबले में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारकर मुकाबले को अत्यंत रोचक बना दिया था। हालांकि पहले ही दिन से कैलाश विजयवर्गीय बढ़त बनाते हुए चल रहे थे, परंतु बीच में बाहरी एवं जय परशुराम जय गिरनार का नारा चलने से कैलाश विजयवर्गीय स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं लड़ पाए। ब्राह्मण और जैन समाज के वोटों में तगड़ी सेंध लगी है। उन्हें संजय शुक्ला ने एक नंबर में लगभग बांध दिया था। हालांकि सभी तरह से प्राप्त हो रहे रुझानों के अनुसार इस बार इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की 25,000 से भी अधिक मतों से चुनाव जीतने की संभावना है। वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी की ओर से वर्तमान विधायक रमेश मेंदोला एवं कांग्रेस की ओर से इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे उम्मीदवार थे। हालांकि चौकसे ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, किंतु दादा दयालु की घेराबंदी करने में नाकामयाब रहे। हालांकि पिछली बार से इस बार भाजपा की लीड कम होने की संभावना है। यहां से रमेश मेंदोला 30,000 से भी अधिक मतों से चुनाव जीत सकते हैं। इंदौर के विधानसभा 3 से कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री महेश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, पिंटू एवं भारतीय जनता पार्टी से विष्णु प्रसाद शुक्ला, बड़े भैया के परिवार से भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष राकेश गोलू शुक्ला उम्मीदवार थे। यहां पर पिंटू जोशी के चुनाव लड़ने की संभावना पहले से ही बनी हुई थी। वहीं गोलू शुक्ला को अंत समय में टिकट मिला था, इसलिए पर्याप्त तैयारी भी नहीं हो पाई। हालांकि क्षेत्र क्रमांक 3 में वर्तमान विधायक आकाश विजयवर्गीय काफी लोकप्रिय रहे हैं और उन्होंने क्षेत्र में काफी विकास कार्य भी किए हैं। इसका फायदा गोलू शुक्ला को जरूर मिला है, किंतु आकाश विजयवर्गीय में अधिकांश समय अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 को दिया है। वहीं कांग्रेस के दिवंगत नेता महेश जोशी के सुपुत्र होने का पूरा पूरा लाभ पिंटू जोशी को मिल रहा है और उनके यहां से 8,000 से भी अधिक मतों से चुनाव जीतने की संभावना है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से वर्तमान विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तथा पीएल राजा मांडवानी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है। 4 नंबर को भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या भी कहा जाता है, लेकिन इस बार यहां पर कांग्रेस ने सिंधी समाज के कद्दावर नेता समाजसेवी पीएल राजा मांडवानी को टिकट देकर पहली बार कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि मांडवानी का टिकट काफी पहले से ही तय माना जा रहा था और उन्होंने वार्ड स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी थी। यहां पर सिंधी समाज जनों के बीच पाईजे मारू के खटायो यानी कि अपने आदमी को चुनाव जिताओ का नारा भी अंदर ही अंदर खूब चला है। वहीं क्षेत्र के मुस्लिम एवं बोहरा समाज के वोट भी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं, किंतु यहां पर बड़ी संख्या में परंपरागत रूप से भाजपा को वोट बैंक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के 30,000 से भी अधिक मतों से चुनाव जीतने की संभावना है। मालिनी गौर के महापौर कार्यकाल में इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार नंबर 1 बनते आया है। यही कारण है कि लोगों ने मालिनी गौर पर फिर से विश्वास जताया है। यहां पर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के पुत्र एकलव्य सिंह गौर की नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश भी की गई थी।
किंतु उसका कोई नुकसान भाजपा एवं मालिनी गौर को नहीं हुआ है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से समस्त विरोधाभास के बाद भी टिकट प्राप्त कर चुके वर्तमान विधायक महेंद्र हाड़िया एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तथा कद्दावर नेता सत्यनारायण पटेल के बीच काफी कशमकश मुकाबला हुआ है। टिकट मिलने की संभावना के चलते बाबा पिछले एक वर्ष से क्षेत्र में लगातार विकास कार्य की गंगा बहा रहे थे तथा बड़ी संख्या में क्षेत्र में लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के फॉर्म भरकर उन्हें योजना का लाभ दिलाया गया है। यही कारण है कि यहां पर भोले बाबा के रूप में प्रसिद्ध बाबा रे बाबा महेंद्र बाबा का जादू चल निकला है और उनके लगभग 11,000 एवं अधिक मतों से चुनाव जीतने की संभावना है। यदि बात की जाए राव विधानसभा क्षेत्र की तो यहां से कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक जीतू पटवारी तथा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मधु वर्मा के बीच में काफी अच्छा मुकाबला हुआ है। मधु वर्मा का टिकट पार्टी ने काफी पहले ही घोषित कर दिया था, किंतु फिर भी इस विधानसभा क्षेत्र से लोगों ने जीतू पटवारी को काफी पसंद किया है और जीतू पटवारी के लगभग 20,000 से भी अधिक मतों से चुनाव जीतने की संभावना है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक तुलसी सिलावट भाजपा के उम्मीदवार है तथा कांग्रेस की ओर से प्रेमचंद गुड्डू की सुपुत्री रीना बौरासी सेतिया ने काफी अच्छा मुकाबला किया है, किंतु विजयश्री का वरण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तुलसी सिलावट कर रहे हैं। लगभग 25,000 से भी अधिक मतों से तुलसी सिलावट के यहां से चुनाव जीतने की संभावना है। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से भी निष्कासित हो चुकी हैं, वहीं इस बार रीना बौरासी के हारने पर गुड्डू परिवार को आगामी समय में टिकट मिलने की संभावना भी नगण्य है। ऐसे में गुड्डू परिवार का आखिरी चुनाव माना जा रहा है। नेपालपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनोज पटेल, कांग्रेस की ओर से विशाल पटेल एवं भाजपा के बागी जबरेश्वर सेना के प्रमुख राजेंद्र चौधरी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। राजेंद्र चौधरी ने न सिर्फ गारी समाज बल्कि मनोज पटेल के धाकड़ समाज के वोट भी कबाड़े हैं। यहां पर राजेंद्र चौधरी के चुनाव लड़ने का पूरा नुकसान भाजपा उम्मीदवार मनोज पटेल को हुआ है और इसका पूरा फायदा विशाल पटेल को मिल रहा है। यहां से विशाल पटेल के 15,000 से भी अधिक मतों से चुनाव जीतने की संभावना है। यदि बात की जाए महू विधानसभा क्षेत्र की तो यहां से भाजपा की ओर से वर्तमान मंत्री एवं विधायक उषा ठाकुर, कांग्रेस की ओर से रामकिशोर शुक्ला एवं कांग्रेस के बागी के रूप में पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। हालांकि उषा ठाकुर को निष्क्रियता का नुकसान हुआ है, किंतु निर्विवाद एवं कट्टर हिंदुत्व वाली छवि तथा राजपूत होने का फायदा भी उन्हें मिला है। वही रामकिशोर शुक्ला की दो बार दल बदलने वाली दल बदलू वाली छवि के चलते महू क्षेत्र को छोड़कर अन्य ग्रामीण क्षेत्र से उन्हें नुकसान हुआ है। कांग्रेस के बागी अंतर सिंह दरबार में कुल मिलाकर कांग्रेस के ही वोट काटे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उषा ठाकुर के 10,000 से भी अधिक मतों से जीतने की संभावना है।